सो गुड मॉर्निंग गाइज, और आज संडे है तो आज हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम हाउस। हमारे पास छोटा सा पोर्ट था दोस्तों, और हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी प्यारी सी एक मछली रखें। जोड़ा भी ले सकते हैं, चलो देखते हैं पहले क्या मिलता है हमें। और ये कान्हू की जिद थी कि वो भी मछली रखना चाहता था, और मैं भी, और जन्नत भी मछली रखना चाहती है। मेरा बचपन का विश पूरी करना चाहती थी मैं, इसकी बचपन की विश है। और देखते हैं, चलो किसी अच्छे से एक्वेरियम डीलर के पास जाके, जिसके पास अच्छी सारी मछलियाँ हों, और लेते हैं। डायरेक्ट चलते हैं वहीं पे, मिलते हैं। चलो एक्वेरियम हाउस पे हम लोग जा रहे हैं। बस और थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये एक्वेरियम शॉप हाउस जो भी आप कह लो हमारे आदित्यपुर में है, इस टाइप के सामने में। पता नहीं अब ये खुली है कि बंद है। चलो गाइस, लक अच्छा है, खुली हुई है एक्वेरियम शॉप। और ये दोनों ही बंदर निकल चुके हैं मछली खरीदने। सो दोस्तों, हम एक्वेरियम हाउस आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं, और बच्चे काफ़ी खुश हैं उन्हें देखकर। क्योंकि देखो दोस्तों, मछली रखना आसान बात नहीं होती। हर घर में मछली बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर पाते। आप लेके अगर मछली रख लोगे, इतना आसान नहीं है आप उसको ज़िंदा रख पाओगे 2-4 दिन से ज़्यादा। क्योंकि देखो दोस्तों, फिश फूड, पर्याप्त लाइटिंग और फिल्टरिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसमें, और इन चीज़ों का खर्च बेहद कम होता है दोस्तों। कई लोगों को लगता है कि हर रोज़ एक्वेरियम का पानी बदलना एक बड़ा झंझट है, जबकि ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हर रोज़ पानी बदलने से मछलियों की मौत हो सकती है। देखो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, बहुत सुंदर सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। रंग बिरंगी मछलियों का सुंदर सा एक्वेरियम ड्राइंग रूम में रखा हो तो माहौल जीवंत हो उठता है। घर में एक्वेरियम रखना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि अब यह एक आम बात हो गई है। ये बहुत बड़ी मछली है दोस्तों। जो लोग सोचते हैं ना कि डेली मछलियों का पानी अगर चेंज कर दिया जाए तो मछली ज़िंदा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मछली उसमें आपका ख़राब हो जाएगा, मछली मर जाएंगी। आपको देखो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर रोज़ पानी बदलने से मछलियों की मौत हो जाती है। पानी में मौजूद बैक्टीरिया मछलियों को ज़िंदा रखने में मददगार होते हैं, इसलिए टैंक का पानी पूरी तरह नहीं बदलना चाहिए। सप्ताह में एक बार सिर्फ 10-20% पानी ही बदलें। अगर फिल्ट्रेशन सिस्टम है तो एक महीने के अंतराल में 30 से 50% तक पानी आप बदल सकते हो। और आप अपने फिश टैंक में दोस्तों फिल्टर लगा के ज़रूर रखें, क्योंकि वो पानी आपका साफ रखता है, ताकि मछलियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब चलो, मेरी भी मछलियाँ रेडी हो चुकी हैं। कान्हा और जन्नत ने पसंद कर लिया है अपनी अपनी मछलियों को, और इसे हम अभी घर लेकर चलेंगे, और देखते हैं आगे इसको क्या करना है। मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियो पे बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि एक्वेरियम हाउस का नाम है एक्वेरियम घर, जो कि आदित्यपुर एस टाइप के सामने मौजूद है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के मछलियाँ रखते हैं। इनके पास आपको सारी मछलियाँ मिल जाएगी। डॉग्स वगैरह के भी ऑर्डर लेते हैं, और अगर आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे मछलियों के साथ साथ इनके खाने की व्यवस्था, ये फ़िश टैंक भी आपका बनाएंगे दोस्तों। रिपेयर भी करते हैं और न्यू भी आपको बना कर देते हैं, और सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पर हैं मछलियों के लिए। जो भी चीज़ें मछलियों को चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अगर आदित्यपुर में रहते हो तो। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं, और जन्नत ने मछली पकड़ा हुआ है, और आप देख सकते हो कि दोनों ही काफी खुश हैं। एक सेकंड बेटा, पार कर देते हैं, मछली को दिखाओ, दिखेंगे। सो चलो, मछली का खाना, ये मछली का खाना है दोस्तों। चलो इसको रखो और चलते हैं फिर घर, मछली को डालते हैं पोर्ट पे। दोस्तों, वहाँ एक्वेरियम हाउस में मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेना भूल गया था, ये सेंधा नमक दोस्तों। इसे आपको लेके ज़रूर जाना है, और फिश टैंक में इसको हल्की मात्रा में डालना है। सो फाइनली गाइस, हम अपने घर पहुँच गए। ये रहा हमारा घर, और चलो अंदर जाके देखते हैं कि क्या होता है, मछलियों को कहाँ रखनी है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। अब ये डालेंगे इसमें कुछ सारी मछलियां हैं दोस्तों, अभी तो दिखेंगी नहीं है। और ये मेरा पुराना सा पोट है दोस्तों, ठीक है। और इसमें हम लोग अब मछली को डालने वाले हैं और ये उसका खाना है दोस्तों मछली का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सेंधा नमक, इसको आप ज़रूर डालना जब भी कभी भी मछली लाओ। इसको डालना बहुत ज़रूरी है ताकि मछली की जो लाइफ है वो लंबी रहेगी। तो गाइस चलो मैं बताता हूँ आपको तरीका कि किस तरीके से आपको पोट में मछलियों को डालना है जब आप नई मछली घर ले। चलो गाइस इस पर सबसे पहले हम लोग फ्रेश वाटर ले लेंगे घर का। और इसको कितना डालना है आप देख लो। लगभग इतना पानी हम लोग फ्रेश वाटर डालेंगे 1 लीटर के आसपास इस साइज के पोट में। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इन मछलियों का जो पानी है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो वाटर है ये इसमें इन मछलियों को आदत रहती है, इसको भी आपको कुछ हद तक इसमें मिलाना है। तो चलो पहले हम रबड़ को खोल लेते हैं। देख लो ये इतना पानी आपको रखना है नई मछलियों के लिए, ठीक है। जो आप लेके पानी आते हो वहाँ से, वो उस पानी को इतना ही आपको रखना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस पर मिलाते हैं नमक। ये रही नमक, आप देख लो नमक कितना डालना है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। जो सीधा नमक है बस आपको इतना सा डालना है। ये देख लो, आप इस साइज़ के पोट के हिसाब से आप इसको भी थोड़ा और कम कर दो, बस इतना सा नमक आपको डालना है, ठीक है। तो इसको आपको सीधे यहाँ डालना है। अब देखो दोस्तों इतना पानी रहेगा, नई मछलियों वाली पानी जो रहेगी इतनी रहनी ज़रूरी है। और आपको क्या करना है, अब इसको धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पोट पे डाल देना है इन मछलियों को, ठीक है। और एक बार ज़रूर चेक कर लेना दोस्तों कि कोई मछली अंदर ना रह गई हो। और उसके बाद आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको मैं सामने से क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, एक ग्रीन है, एक येलो कलर की है, एक पिंक है। जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही होगी वो पिंक है एक्चुअली दोस्तों। और ये बहुत ही खूबसूरत। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, इतने छोटे से पोट में इतनी सारी मछलियां आप कभी मत रखना। इन बच्चों के ज़िद के लिए मैंने इनको यहाँ ला के अभी रखा है। फ़िलहाल मैं इसे थोड़ी देर बाद बदल दूंगा। मेरे पास एक और पॉट भी है जो कि पुराना रखा हुआ, मैं उसमें आधा आधा इसको अलग अलग तरीके से रखूँगा। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मछलियों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। आप बने रहिएगा हमारे चैनल में डेली ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।